मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में पक्षी विशेषज्ञों के द्वारा पक्षियों का सर्वेक्षण किया गया। 15 फरवरी से लेकर 18 अमृतसर की पावन धरती प्रकाश पर्व का शुभ दिन एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे, बहुत शुक्र मान है साड़ा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। फरवरी तक सर्वे किया। देश के 11 राज्यों से करीब 80 पक्षी विशेषज्ञ को चुना गया, जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सबसे अधिक प्रतिभागी रहे। विशेषज्ञों को पार्क के अलग अलग करीब 40 बीटों में पैदल भ्रमण कराया गया। ये कान्हा टाइगर रिजर्व के द्वारा, ये वाइल्ड लाइफ एंड नेचर कंजर्वेंसी इंदौर एक एनजीओ है, उनके सहयोग से एक ये बर्ड सर्वे, छठा बर्ड सर्वे ऑर्गेनाइज किया गया है। ये हर वर्ष 2 बर्ड सर्वे किए जाते हैं। इस वर्ष ये सर्दियों का बर्ड सर्वे 15 से 18 फरवरी के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें 80 वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया, जो 11 राज्यों से आए थे, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए थे, और उनको दो दो की टीम बना के लगभग 40 कैंपों में उनको 3 दिन वो लोग रुके। उन्होंने पैदल चल के और पक्षियों की आवाज़ सुन के सर्वे किया, जिसमें कई अच्छी प्रजातियों की फोटोग्राफ्स भी आई है और उनका हमारे पास डेटाबेस में एंट्री भी हुई है कि ये पक्षियों की प्रजातियां हमारे पास उपलब्ध हैं। सर, मूल उद्देश्य क्या होता है सर्वे का? इस सर्वे का मूल उद्देश्य ये होता है कि हम कान्हा टाइगर रिजर्व में पक्षियों की कितनी विविधता है और कितनी प्रजातियों की पक्षियाँ यहाँ पाए जाते हैं। जब इसको हम सतत कराते हैं तो हमको इसमें बदलाव की भी जानकारी प्राप्त होती है कि कैसे इन प्रजातियों में की संख्या में बदलाव आ रहा है, क्या वो अच्छा है या बुरा है। साथ ही साथ संख्या पे भी इसमें ध्यान दिया जाता है। इसके साथ साथ ये भी होता है कि विभिन्न राज्यों के जो लोग हैं वो प्रकृति से जुड़ते हैं, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट से और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़ते हैं, जिससे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को देश के स्तर पे काफ़ी फायदा होता है। तीसरा एक उद्देश्य इससे बहुत अच्छा ये भी होता है कि हमारा जो स्टाफ है वो इन चीज़ों में उनको ट्रेनिंग भी मिलती है जो एक्सपर्ट्स है, तो धीरे धीरे उनकी रुचि इस रुचि एवं रुझान इस विषय पर जाता है। सर, कान्हा नेशनल पार्क की बात करें तो पक्षियों में सबसे ज़्यादा मोस्टली कौन सा पक्षी अभी तक मिला है सर्वे के दौरान? ये कान्हा टाइगर रिजर्व में कुल मिलाकर जो अभी तक पक्षियों की प्रजातियों की संख्या थी वो 375 थी, जो इन सर्वेज में आइडेंटिफाई हो पाई थी। इस वर्ष के जो सर्वे हुआ है उसमें 4 ऐसी प्रजातियों के नाम और आए हैं जो पहले कान्हा में नहीं देखे गए थे। बहुत ही रेयर कुछ प्रजातियां हैं, कुछ माइग्रेटरी स्पीशीज़ भी हैं जो हमको अभी देखने को मिली, जैसे यूरेशियन ग्रिफॉन है और हिमालयन ग्रिफॉन है, ये सब हमको अभी देखने को मिली। इंडियन स्कॉप्स आउल है, ऐसी कई प्रजातियाँ हैं जो कान्हा टाइगर रिजर्व में अभी रेयर स्पीशीज़ हैं जो मिलने लगी हैं। विशेषज्ञों ने विभिन्न प्रकार की प्रजाति के पक्षियों को जाना, वहीं उन्होंने कुछ तस्वीरें भी साझा की। कान्हा टाइगर रिजर्व में कुल 375 प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां हैं। विशेषज्ञों ने इस बार 3 से 4 ऐसी प्रजातियों को ढूंढ निकाला है जो कि अब तक नहीं देखी गई। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य पक्षियों के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करना है, उनके प्राकृतिक आवास व्यवहार में कोई बदलाव आदि का अध्ययन करना है। पंजाब केसरी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।